शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी एंड ह्यूज ज्वेलरी हॉल। एंड यार सभी मेरी चॉइस की है, सभी सेलेक्टिव पीस है एंड बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड इन सबको परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर का, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड आज का पूरा कलेक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इससे ईजी हो जाएगा आपके लिए भी शॉपिंग करना। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ना, ये मेरी फेवरेट साड़ी है एंड ये है येलो कलर में। साइड में आपको प्राइस स्क्रीनशॉट सहित मैं लगवा दूंगी एंड बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए। जब मैंने इसको अमेजोन पे देखा यार, रियली मैंने देखते ही इसे पिक कर लिया। लुक एट दिस साड़ी एंड बहुत सुंदर साड़ी है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है। प्राइस बहुत ही सही है इस वाली साड़ी की। तो इस वाली साड़ी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको इस तरीके का कटवर्क दिया हुआ है, प्लस आप वर्क देख सकते हो ना, काफ़ी अच्छा है। पूरा सिक्वेंस एंड जरी की एम्ब्रॉयडरी है सिल्वर कलर से। लुक एट दिस, बहुत ब्यूटीफुल है। ये है इसका आंचल एंड पूरी साड़ी आपको ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में मिलेगी। फुल लुक आप एक बार साइड में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड पूरी साड़ी पे इस तरीके का जो है बॉर्डर दिया हुआ है, प्लस बूटे बनाए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट साड़ी है येलो कलर में। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद। एंड कुछ इस तरीके की साड़ी है, बस इतना सा जो पार्ट है ना वो आपको प्लेन मिलेगा, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। पूरी ऑरेगंजा सिल्क फैब्रिक में है तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है। जो जिसमें ब्लाउज दिया ना वो है सिल्वर कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड कुछ इस तरीके का आपको ये ब्लाउज का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। मैं पास से दिखा रही हूँ, पूरा 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर के आसपास फैब्रिक है। तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी हैं तो भी आपके ईजिली आ जाएगा। एंड बनवाने के बाद इस ब्लाउज का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। साड़ी है ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, तो ब्लाउज को आप ना स्ट्रैपी शोल्डर वाला भी बना सकते हो गर्ल्स के अकॉर्डिंग, अगर आप ले रहे हो। नहीं तो फैब्रिक पूरा है, आप जैसे चाहो वैसे इसे स्टिच करा सकते हो। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी, जो है मेरी फेवरेट एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। प्राइस के अकॉर्डिंग इस साड़ी को जरूर से जरूर ग्रैब करना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही है बहुत ही खूबसूरत सी रेड कलर में साड़ी। एंड जब मैंने इसे अमेजोन पे देखा, इसका कलर ग्रे था और पता नहीं सैलर है ना रेड कलर सेंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगे ना ये वाली साड़ी तो आपको रेड कलर ही मिलेगा, लेकिन अगर रेड कलर आप लेना चाहते हो कोई साड़ी रेड कलर में तो डेफिनेटली पिक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ग्रे कलर मुझे मिला नहीं है अमेजोन पर, तो अगर मिल गया तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ग्रे भी पिक कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास है रेड एंड जिप वन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वालिटी कैसी निकलती है। प्लस ये वाली साड़ी है ना अभी काफी ज्यादा ट्रेंडी है, तो लुक एट दिस साड़ी, बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आपको नेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। नेट के ऊपर ना पूरा जरी का काम किया हुआ है, प्लस सिक्वेंस लगाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा हैवी वर्क होने के बाद भी है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, प्लस पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी रेड कलर में। एंड इसमें शॉर्ट रफल भी लगवाए हुए हैं चारों तरफ, तो कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। वर्क है ना पूरा सिल्वर कलर का किया गया है रेड में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये तो था इसका आंचल जो आपको फुल हैवी देखने को मिलेगा, प्लस साड़ी है ना आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, जिसमें ऑनली नीचे की साइड वर्क दिया हुआ है, ऊपर की साइड है ना प्लेन है। एंड 5.5 मीटर की साड़ी है और इतना सा जो पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। नेट की साड़ी है, ब्राइट वाला जो रेड कलर होता है वो कलर है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है और ट्रेंडी है, और जो वर्क किया गया है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीटली है, तो क्वालिटी अच्छी है। आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो आज की दोनों साड़ियाँ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है एंड बहुत अमेजिंग है, और इसका जो ब्लाउज इन्होंने दिया है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ब्लाउज इन्होंने दिया है। कुछ इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, जब आप इसे स्टिच कराओगे ना बहुत प्यारा लुक आएगा। एंड आप इसे 3/4 स्टिच कराना बहुत सुंदर लगेगा। एंड पूरा इन्होंने जरी का काम किया गया है, 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज का नेट का फैब्रिक है। ऐसे कुछ ही परचेज करने की जरूरत नहीं है, लाइनिंग वगैरह के लिए भी इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग बहुत सुंदर साड़ी है एंड किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। अभी आती है ज्वेलरी की। ज्वेलरी मैंने बहुत सारी पिक की है क्योंकि मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कब मैं ज्वेलरी परचेज करूँ, सारी ज्वेलरी मेरी पुरानी हो गई है और मुझे ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैंने खूब सारी ज्वेलरी पिक की है और मोस्टली
एक दो हटा के सभी है ब्रांड जवेरी पर्ल्स, जो कि है मेरा फेवरेट ब्रांड एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, प्लस ज्वेलरी काफ़ी अच्छी होती है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में भी होती है। तो मैं बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जो अदर ब्रांड्स में जाती हूँ, क्योंकि मुझे जवेरी पर्ल की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट लगती है। अब काफ़ी सारे बॉक्सेज हैं, मैं बताना स्टार्ट करती हूँ एक एक को, मुझे भी पता नहीं है किस में क्या है, एंड स्टार्ट करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो कुछ इस तरीके का तो आपको जवेरी पर्ल में बॉक्स देखने को मिल जाता है, पर्ल ज्वेलरी में ब्लैक कलर का है, तो आप ना आराम से पहले यूज ले लो और फिर इसी में आराम से कैरी कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही लगता है। एंड कुछ इस तरीके के ये वाले मैंने इयर रिंग्स परचेज किए हैं, मेरे पास ना कुछ इस तरीके के इयर रिंग्स थे नहीं, तो मैंने सोचा यार पिक करती हूँ, एंड एक तो ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है और ये आपको पूरे कुंदन के इयर रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, एंड टू बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसमें आपको ना ईयर चैन भी देखने को मिल जाएगी, जब आप इसे पहनेंगे फुल लुक आप देखना साइड में आपको क्लियर हो जाएगा, एंड क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस एक कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है और एक स्टेटमेंट ईयर रिंग्स है, इनको पहनने के बाद आपको कुछ भी और ज्वेलरी कैरी करने की नीड नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी बेस्ट लगी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, भी हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, आप इजीली इसे पूरे दिन भर कैरी कर सकते हो, अगर आप किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हो और पहनना चाहते हो तो पूरे दिन भर इसे इजीली कैरी कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सुंदर है। क्या ऐसे बॉक्स में मिला है, प्लास्टिक बॉक्स में, एंड बहुत प्यारा है। इस तरीके की ये वाली ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी, पूरा आपको सिल्वर में एंड पर्ल में देखने को मिलेगा, पीछे एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एक तो ना इसको पिक करने का रीजन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट पीस है एंड बहुत प्यारा है, एंड पूरा आपको पर्ल स्टोन एंड सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में मिक्स देखने को मिल जाएगा, कुछ अलग सा ही लगा मुझे अमेजोन पे, तो मैंने पिक कर लिया। इयर रिंग्स ना बहुत ही प्यारे हैं, लुक एट दिस, इस तरीके की आपको इसमें इयर रिंग्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, एंड इसको पहनने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और चीज़ कैरी करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये खुद में एक स्टेटमेंट पीस। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ना ज्वेलरी में, ये भी बहुत ही सुंदर सा एक चोकर है, प्लस ये है इयर रिंग्स का सेट, एंड ये है फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल, एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस वाले चोकर को है ना मैंने एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस टाइम मैंने पिक नहीं किया, लेकिन फिलहाल मैंने इसे पिक कर लिया है, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट लग रहा था, प्लस ये भी आपको पूरा कुंदन में देखने को मिल जाएगा, पर्ल कुंदन, एंड बहुत सुंदर लग रहा है स्टोन का कॉम्बिनेशन। इसके इयर रिंग्स भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, फुल लुक आप साइड में देखना, एंड स्टेटमेंट पीस है ये भी, किसी भी साड़ी वगैरह के साथ ईजिली कैरी कर सकते हो, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है, अब जो नेक्स्ट मैंने पिक की है वो है वो है इस तरीके की इयर रिंग्स, ये चुमकी वाले हैं और ये अमेजोन पे ना मुझे काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन लग रहा था, तो मैंने पिक कर लिया, और ये भी है फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल, एंड काफ़ी मैंने बहुत सारे झुमकियाँ लिए इस बार, बहुत सारे इयर रिंग्स नेक पीस लिए हैं, क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद है, प्लस क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे अमेजोन पे काफ़ी अच्छे अच्छे मिल गए, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। कुछ इस तरीके की आपको ये वाली झुमकी देखने को मिल जाएगी, मे बी आपको फुल क्लियर हो रहा होगा, कुछ इस तरीके की है, एंड ये पूरा आप देख सकते हो ना कुंदन लगाए हुए हैं, आप इसे किसी भी लहंगे साड़ी कुर्तीज के साथ कैरी कर सकते हो, किसी भी पार्टी वेयर सूट के साथ कैरी कर सकते हो, पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। हाँ थोड़ा सा हैवी वेट जरूर है, उतने ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, कि वो वाले इयर रिंग्स इतने बड़े होने के बाद भी काफ़ी लाइट वेट थे, लेकिन ये थोड़े से हैवी जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, लुक एट दिस। एंड कुछ न्यू डिज़ाइन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सेलेक्टिव पीस है, एंड मैंने काफ़ी ढूंढा सर्च किया तब जाके पीस सेलेक्ट किए जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ना ये है आई ज्वेलर से, अगर ऑप्शन मे बी 2 से 3 देखने को मिलेंगे या फिर ज़्यादा ही होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझे ये वाला कलर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था, एंड कुछ है ना लाइट कलर लग रहा था, तो आप इसे किसी भी साड़ी के साथ ना पेयर अप कर सकते हो, किसी भी ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने लाइट कलर ही प्रेफर किया, एंड आप चाहो तो डार्क वगैरह कलर भी ले सकते हो, एंड ये पूरा आपको है ना मोती वाला जो है चोकर देखने को मिलेगा, फुल लुक आपको सेट में क्लियर हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ना ये है जो
पर्ल ही लगाए हुए हैं पूरे, और सबसे अच्छी बात है एडजस्टेबल है, लाइट वेट है एंड किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पीस है। अगर आप किसी शादी वगैरह के अकॉर्डिंग भी लेना चाहते हो, अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी काफी सुंदर है एंड एलिगेंट है, रिच लुक है इस वाले नेकलेस का। उस तरीके की आपको ये वाले इयर रिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो इसमें पूरे मोती लगाए हुए हैं। साइज आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है तो उस अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, एलिगेंट है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी है फ्रॉम द ब्रांड जवेरी पर्ल। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ओके, तो मेरे पास ना ब्रेसलेट बहुत सारे हैं लेकिन सारे जो है लाइट वेट ब्रेसलेट है, कुछ इस तरीके का ब्रेसलेट मेरे पास नहीं था। मैंने इसे अमेजोन पे देखा, देखते ही मैंने पिक कर लिया। इसमें आपको कलर गोल्डन सिल्वर कॉपर कलर देखने को मिलेगी, मैंने कॉपर वाला लिया है जो कि मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड पूरे पे आपको इस तरीके के स्टोन देखने को मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे मोती लगाए हुए हैं। एक तो काफी ब्रॉड है ब्रेसलेट, किसी भी है ना एथनिक वेयर के ऊपर काफी ज्यादा स्मार्ट लगेगा एंड लुकिंग वाइज बहुत परफेक्ट लगा। पहनने के बाद ना लुक ज्यादा अच्छा आया इसका, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा लुक आएगा। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है प्लस वर्थ इट भी है, तो आप ट्राई करना ये वाला ब्रेसलेट भी, मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगा अमेज़न पे। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है फ्रॉम दी ब्रांड शाइनिंग दीवा, एंड इसके भी मैं ना चेन वगैरह लेती रहती हूँ, पर अब की बार ऑनली मैंने एक रिंग परचेज किया क्योंकि वो रिंग है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एक स्टेटमेंट पीस लगा यार। पूरी आपको पर्ल में देखने को मिल जाएगी एंड एडजस्टेबल है एंड लुकिंग वाइज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, किसी भी साड़ी या एथनिक वेयर के ऊपर ट्राई करना बहुत सुंदर लगेगी। एंड सच में बहुत ही अच्छी एक लाइट वेट रिंग का ऑप्शन है अमेजोन पे, इसमें इस ब्रांड में आप जाना, काफ़ी सारे रिंग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मुझे अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी, ट्राई करना एक बार, आपको भी अच्छा लगेगा ये वाला पीस। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है ये वाले हैं, एक स्टेटमेंट इयर रिंग्स है, ये भी झुमकी है एंड ये अभी है ना बिल्कुल न्यू आया है अमेजोन पे, मैंने थोड़े दिन पहले इसे देखा था, मे बी 10 to 15 days पहले ही देखा और देखते ही मैंने पिक कर लिया फ्रॉम दी ब्रांड जवेरी पर्ल। ये वाले आप देख सकते हो ना कितना प्यारा पीस है यार, लुक एट दिस। ये आपको ना लोटस वाले इयर रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, ये जो पूरा ऊपर वाला जो आप डिजाइन देख रहे हो ना लाइक का लोटस लग रहा है ना फ्लावर जैसा, एंड नीचे की साइड आपको पूरा ना मीनाकारी वाला काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टोन लगाए हुए हैं, एक तो सबसे अच्छी बात है बहुत ही लाइट वेट है, हैवी नहीं है बिल्कुल भी, एंड इयर रिंग्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, साइज भी काफी अच्छा है, प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है एंड कलर बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया ना वो भी है एक नेक पीस, एंड यार है ना मेरे पास वेस्टर्न वेयर के ऊपर पहनने के लिए हो गए या फिर सिल्वर ज्वेलरी में काफ़ी नेक पीस हो गए, लेकिन इस तरीके के ना नेक पीस मेरे पास बहुत कम है, तो मैंने अब की बार है ना ट्राई किया है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेक पीस ही ले लूँ जो कि अफोर्डेबल प्राइस में भी हो, अच्छे भी लगे। एंड ये भी आपको इस तरीके का नेक पीस देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस, पूरा स्टोन वाला है एंड बहुत सुंदर है ये वाला पीस भी, स्टेटमेंट पीस है एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है एंड पूरे पे जो स्टोन लगाए हुए ना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, किसी भी साड़ी वगैरह के साथ पेयर अप करना काफी सुंदर लगेगा, पीछे से एडजस्टेबल है। इयररिंग्स आप देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं आपको ना इस तरीके के इसी में दिखा रही हूँ, लाइक को बिल्कुल निकाल के नहीं दिखा रही, इससे आपको क्लियर नहीं होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पास से देखने पर कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी है, तो कुछ इस तरीके का ये वाला नेक पीस देखने को मिलेगा, ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। नेक्स्ट मैंने पिक किया ना वो है एक ऐसा ब्रेसलेट जिससे आप इंडियन वेयर के साथ तो कैरी कर ही सकते हो, प्लस वेस्टर्न के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो, दोनों पे काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, और ये इस तरीके की पैकेजिंग में मिला है एंड ऑलरेडी आप देख सकते हो ना मैंने पहना हुआ है, बहुत सुंदर है। इसमें आपको 3 layer में ब्रेसलेट देखने को मिलेगा, ये बीच में पर्ल वाली लेयर है, प्लस दोनों साइड आपको सिल्वर स्टोन की लेयर देखने को मिल जाएगी, और इस तरीके से आप इसे आपको इसे पहनना है तो अगर आपका ये वाली चीज ना थोड़ी मोटी भी है तो भी आपके इजीली आ जाएगा, मतलब आपके साइज के अकॉर्डिंग आराम से एडजस्ट हो जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, तो डेफिनेटली ट्राई करना, अफोर्डेबल प्राइस में कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो प्लस जो रॉयल लुक भी दे डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, दोनों चीज के साथ, दोनों मतलब जो इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर के ऊपर आराम से चल जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ना वो है एक वेस्टर्न वेयर के लिए नेक पीस प्लस पूरा सेट है, तो सारा इंडियन वेयर वाला परचेज किया, फिर मैंने सोचा एक वेस्टर्न वाला भी लेते हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी ये वाला, एंड ये भी अमेजोन पर ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो कुछ इस तरीके का आपको एक गोल्ड कलर में देखने को मिलेगा, आप फुल लुक एक बार साइड में देखना,
बहुत ही प्यारा है एंड ये पूरा आपको ना ये गोल्डन कलर के पूरे जो है तार है, कुछ इस तरीके का नेक पीस है, स्टेटमेंट पीस है ये वाला, पहनने के बाद काफी अच्छा है, किसी भी साड़ी के ऊपर कैरी करना बहुत ज्यादा अच्छा लुक आएगा। प्लस वेस्टर्न वेयर के ऊपर तो पहन ही सकते हो, लेकिन साड़ी के ऊपर करोगे ना तो अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में कोई भी अटेंड करना है तो डेफिनेटली इस तरीके के नेक पीस ट्राई करना, बहुत ज्यादा यूनिक भी लगते हैं प्लस लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आता है एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको है ना इयर रिंग्स भी साथ में देखने को मिलेंगे प्लस ब्रेसलेट भी, पूरा कॉम्बो है। इयर रिंग्स भी आप देख सकते हो ना, इस तरीके के इयर रिंग्स है जो कि आप देख सकते हो, साइज भी काफी अच्छा है। ब्रेसलेट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एडजस्टेबल है एंड बहुत सुंदर है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको ना एक रिंग भी देखने को मिलेगी, तो मैं पूरा सेट है ना मुझे काफी अफोर्डेबल लगा प्लस काफी ज्यादा यूनिक लगा। मैंने पिक किया है वो है छोटी झुमकी, क्योंकि बड़े मैंने काफी ले लिए और जब मैंने इसे देखा काफी ज्यादा सुंदर एंड क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा इसे पिक करती हूँ। एंड ये ऐसी है कि किसी भी आउटफिट्स के ऊपर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो, अगर सिंपल कुर्ती वगैरह के साथ लेना चाहते हो ले सकते हो। मे बी इसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है प्लस क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो लेना चाहो डेफिनेटली पिक करना, बहुत अच्छी लगेगी आपको भी। तो गाइस ये था मेरा आज का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।